तो फ्रेंड्स ये है हसल की राजमा बनके तैयार। छोटी होती है, बहुत क्यूट सी होती है यार। देखो यू नो यार, ये तो मैंने आपको बताया था माय ड्रीम। देखो कोई मिल गया मूवी में था ना, धूप, उसको धूप चाहिए खाने के लिए। लोग कितना मेहनत करते हैं, देखो बगल में घर है पूरा। ठीक है, मुझे लगता है भांग के बहुत ही शौकीन है, भांग के पकौड़ा खाने जाते लगता है, है ना। होली में हर डोगे का कहीं पता नहीं, सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया यार। ये सुपर स्टार दीपिका पादुकोण ने बहुत सारी हदें पार कर दी है। और हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हो गया हूँ। मेरी तबीयत भी काफी हद तक ठीक हो गई है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाता हूँ, बढ़िया सा ब्लॉग बनाता हूँ आप। तो फ्रेंड, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है हरसिल की वर्ल्ड फेमस राजमा। भाई ये हरसिल की राजमा होती ना, बहुत टेस्टी होती है यार। मैंने कभी पहले खाई नहीं थी, लेकिन खाली सुना था। और सुना इसलिए था कि मैंने बारे में पढ़ा है कि जो हरसिल की राजमा होती है, क्योंकि हरसिल जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में एक रीजन है, उत्तरकाशी में एक रीजन है। हरसिल बहुत फेमस है, यू नो, मतलब अगर आप घूमने भी जाते हैं टूरिस्ट प्लेस के तो बहुत ही फेमस है, मतलब सभी जानते हैं यार। आप गूगल पे डालोगे तो हरसिल तुरंत आपको मिल जाएगा। और वहाँ की वर्ल्ड फेमस राजमा। और अब मैं आपको बताऊँ कि वर्ल्ड फेमस क्यों है दोस्तों, क्योंकि यार ये जो मैंने आपको बताई हाई एल्टीट्यूड में ही राजमा होती है, बर्फ वाले स्थान में ये राजमा पाई जाती है। और राजमा की भाई बेल होती है, पेड़ नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि राजमा का पेड़ होता है, इसकी बेल होती है। और रीजन ये है हरसिल की राजमा का इतना टेस्टी होने का दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ना बर्फ बहुत पड़ती है। और जो राजमा जो ये बेल होती है ना, ये बिल्कुल बर्फ से ढकी होती है। और बर्फ में ढके होने के कारण ना इनकी जो टेस्ट होता है ना, और जो क्रिस्पीनेस होती है ना, वो बहुत अच्छी से बढ़ जाती है। और इसीलिए दोस्तों ये वर्ल्ड फेमस है यार, जो हरसिल की राजमा ना, या आप उत्तराखंड की धरोहर में भी। और फ्रेंड्स, आपको राजमा ना देहरादून के सिटीज में बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेल में बहुत कम आती है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, क्योंकि इसका नाम इतना बड़ा है, हरसिल की राजमा का नाम इतना फेमस है कि जो बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स होते हैं, या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जहाँ पे भाई लोग जानते हैं लोग हरसिल की राजमा के बारे में, ये टोटल वहाँ एक्सपोर्ट हो जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे तो मिलती ही नहीं है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन जैसे कैसे हमने उत्तरकाशी से हरसिल से ये राजमा अरेंज करवाई है, स्पेशली देखने के लिए आखिर कैसे होती है, क्या इसका टेस्ट होता है। और मैं आपको भी बताऊंगा कैसी ये दिखती है, और पका के भी बताऊंगा यार कि कैसे ये बनती है, टेस्टी होती है। और हाँ, मैं आज खुद राजमा बनाने वाला हूँ, क्योंकि जब राजमा की दाल बनती है ना, तो भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं खुद ही बनाऊंगा उसको, बहुत टेस्टी बनाता है खाना में। कभी मौका मिला तो आप सबको, अपने व्यूवर्स को अच्छे से लंगर लगा के खिलाऊंगा। ठीक है भाई। और भाई धूप जो है ना कल की तरह बहुत मस्त खिली हुई है, कहीं भी दूर दूर तक बादल नहीं दिख रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है यार छत पे आके, कि जब धूप खिलती है सर्दी में यार, धूप का तो मजा ही कुछ और है यार। मतलब तो धूप होनी चाहिए, साला खाना मिले ना, पानी मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन धूप जरूर होनी चाहिए। जैसे वो कोई मिल गया मूवी में था ना, धूप, उसको धूप चाहिए खाने के लिए। उसी तरह फिलहाल मुझे तो इस टाइम धूप ही चाहिए, मुझे कोई खाना ना दे, खाली धूप दे दे यार, तो मैं पूरा दिन कट जाए। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के पीछे नो खेत है, और हमारे जो बगल वाले लोग हैं, मतलब नेबर हैं, उन्होंने यहाँ पे अच्छी खेती करी है। ठीक है, लोग कितना मेहनत करते हैं यार। देखो बगल में उनका घर है, पूरा खेत उन्होंने करा हुआ है, पूरा खेती वेती का, और रेगुलर बेस से करते हैं। अच्छा लगता है जब कोई इतना मेहनत करते हैं ना, क्योंकि यार अगर लैंड फालतू पड़ी है तो अगर उसको कुछ करे, कुछ प्रोडक्शन करे, तो ज़्यादा बेहतर है ना। और तो अच्छा लगा मेरे को उनका ये एफर्ट, बहुत आई अप्रिशिएट दैट। भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और मैं आपको दिखाऊँगा। देखो ना यार, मैंने यहाँ पे मतलब ये पेंटिंग्स लगाई हैं, बताइए कैसा लग रही है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है भाई, एफिल टावर, ये तो मैंने आपको बताया था माय ड्रीम प्लेस, भाई माय ड्रीम प्लेस, ये लगाया मैंने। और इधर से शीशा पड़ता है, इधर पूरा हम पूरा देख सकते हैं रोड पे क्या चल रहा है। और इधर से देखो, ये देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही है, और यहाँ पर मैंने लगाई दूसरी पेंटिंग, बड़ी अच्छी लग रही है ना। तो भाई अभी मैंने पकड़ लिए हरसिल की राजमा अपने हाथ में, और मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये इस तरह दिखती है, देख रहे हैं आप, बहुत छोटी होती है, बहुत क्यूट सी होती है यार। देखो यू नो कलरलेस भी होती है, देखो कैसा इनका कलर, बिल्कुल स्किन कलर सा है। मे भी कुछ ब्लैक रेड में भी होती है, लेकिन ये जो ब्रीड है हरसिल की राजमा का, ये इस तरह से दिखती है। देखा आपने, कितना प्यारा लग रहा है ना यार। फ्रेंड होता क्या है ना, जैसे ये हरसिल की राजमा होती है, तो वहाँ के जो गाँव के लोग होते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डायरेक्ट उनके पास जाते हैं, खेत में ही चले जाते हैं, और वहीं से डायरेक्ट जो राजमा होती है दोस्तों, डायरेक्ट मुंबई, दिल्ली के लिए एक्सपोर्ट हो जाती है, और बड़े बड़े फाइव स्टार होटल पे ये डिलीवर हो जाती है, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उनको अच्छा रेट देते हैं, अच्छा रेट उनको गाँव वालों को देते हैं, और गाँव वाले भी लालच में आके टोटल उनको देते हैं। और इस कारण से यार जो उत्तराखंड के जो मेन लोग हैं, जो
जो यहाँ के यू नो नेटिव है वहाँ उनको बहुत कम मिलती है। आपने बहुत यू नो मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने खाई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हरसिंह राजभोग के बारे में सुना होगा लेकिन खाया आज तक नहीं होगा। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन निकालना चाहिए कि कुछ राजमा जो है उत्तराखंड के लोगों को भी मिले और कुछ जो है बाहर से हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना यार। फ्रेंड्स मैं देखता हूँ ना सारा जो भी देहरादून के फेमस चीज होते हैं, जैसे देहरादून की बासमती बहुत फेमस है, देहरादून को लीची बहुत फेमस है यार, तो यहाँ को मिलता ही नहीं लोगों को। मैं जानता हूँ 90% लोगों को पता नहीं होगा कि देहरादून जो होता है ना बासमती के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे चावल खुशबूदार चावल के लिए जाना जाता है, लेकिन यार आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं कि हमको कभी मिला हो कि यार देहरादून की बासमती ऐसी होती है, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं नॉर्मली वही जो ब्रांडेड बासमती वही लाना पड़ता है या फिर जो बैग्स में होती है वही लाना पड़ता है। कि स्पेशली अगर देहरादून की बासमती की बात करें तो यार मैंने तो आज तक नहीं खाई भाई, सच बताऊँ। अगर आपने खाई तो आप प्लीज बताइए और कैसा उसका टेस्ट होता है प्लीज मुझे मेंशन करिएगा, और हो सके तो मेरे को भिजवा भी देना ठीक है। और दोस्तों उसके साथ साथ देहरादून जाना जाता है इसकी लीची की मिठास के लिए, लीची के स्वाद के लिए। लेकिन लीची भी जब फ्रेंड जो होती है ना जो बेटर क्वालिटी की लीची होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की लीची होती है ना, भाई वो सीधा जाती है दिल्ली मुंबई एक्सपोर्ट होने के लिए, और यहाँ के लोगों को मिलता है बाबा जी का फुल्लू। यानी कि बहुत यार फ्रेंड्स आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, वो पठान मूवी का जो सॉन्ग है ना उसमें बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसमें हमारी सो कॉल्ड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कह सकते हैं यार कि मतलब सारी हदें पार कर दी हैं, और स्पेशली जो विवाद चल रहा है ना वो चल रहा है उसकी ड्रेस पर, उसके कॉस्ट्यूम पर। यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसका यू नो उसका विरोध कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि उसने किस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी है, किस तरह का कलर उसने यूज किया है, वो कलर है भगवा रंग। तो यार मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो भी इसका यू नो विरोध कर रहे हैं, आप करो आपका राइट है विरोध करने का, पर भाई ये बताओ आप मुझे खाली इतनी छोटी बात बता दो यार गवर्नमेंट आपकी और यू नो आपका सेंसर बोर्ड आपका, यार जब सेंसर बोर्ड आपका है तो आप क्यों उसको कट नहीं करते हो यार, ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने यार, समझ में नहीं आती। समझ से तो परे भाई, जब गवर्नमेंट आपकी है यू नो सेंसर बोर्ड आपका है तो आप इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं, आपको कट कर दीजिए ना, तो क्या इसके पीछे खाली मतलब ये खाली ड्रामा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यार दोस्तों हमारे मीडिया, हमारा मीडिया जो है उसके पास ये मुद्दा रह गया कि दीपिका पादुकोण ने कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी है, किस कलर की कॉस्ट्यूम पहनी है, और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं यार बेरोजगारी गरीबी भूखमरी बीमारी, इतने सारे इशू है यार गवर्नमेंट के पास हमारे मतलब जनता को सुलझाने के लिए, लेकिन हमारे मीडिया क्या काम कर रहा है, हमारा मीडिया काम कर रहा है पठान मूवी को बैन करना है नहीं करना है। यार सेंसर बोर्ड आपका बैन करिए, अगर आपको गलत लगता है तो बैन करिए, मैं उसका विरोध करता हूँ, उनको इस तरह का कॉस्ट्यूम नहीं पहनना चाहिए था यार, आप भगवा रंग का कॉस्ट्यूम पहन रहे हो गलत है, लेकिन यार सब कुछ आपके हाथ तो यार, फिर आपकी ड्रामाबाजी क्यों चल रही है, आपको ड्रामा नहीं करना चाहिए, आपको कट करना चाहिए। मेरी तो समझ से परे भाई ये बात, करते क्या है लोग, समझ मेरी समझ से परे है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज बताइए यार कमेंट करके कि जब सेंसर बोर्ड उनका है तो वो कट करना चाहिए ना यार, क्या ड्रामाबाजी लगा रखी है भाई। देख रहे फ्रेंड्स ये है भांग का पेड़ काफ़ी दूर हमारे घर से, मतलब इन्होंने लगाया बाहर पे, पता नहीं क्यों लगाया यार समझ में नहीं आया लोग तुलसी लगाते हैं ये लगाते हैं, भांग का पेड़ भी लगा रखा यार, तो मतलब मुझे लगता है भांग के बहुत ही शौकीन है, भांग के पकौड़ा खाना चाहते हैं लगता है, है ना होली में। देखो फ्रेंड्स ये है हर्षिल की राजमा बन के तैयार फर्स्ट क्लास, मेड बाय योर फ्रेंड राज गौरव गैरोला। देखो कितना अच्छा से मैंने बनाया, मजा आ रहा है खा के, मजा आएगा भाई, मजा आएगा मजा। और देखो फ्रेंड्स हमारा स्टूडेंट फिर से आज पढ़ाई पे लगा हुआ है कल की तरह, और ये कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहा है अंदर अंदर है, धूप में भी नहीं जा रहा, धूप में क्यों नहीं जा रहा, धूप में पढ़ाई करना है ना दोस्तों, धूप में अगर पढ़ाई करो तो यार अच्छा है, धूप भी देखो। कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, टॉप कर लेगा इस टाइम, हमेशा टॉप करता है, हाँ आई विश के टॉप करें ठीक है यार। फ्रेंड्स एग्जाम देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और खासकर सब्जेक्ट एग्जाम होता है, मैंने काफी सारे एमए किया है, एमए इंग्लिश किया है, एमए एजुकेशन किया है, तो रिटर्न में मतलब मजा आता है, एग्जाम हॉल में जाना, चेकिंग होना, पेपर देना, कॉपी लेना, और इस तरह बहुत मैंने दोबारा से एग्जाम देने का बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम देना लिखना एग्जाम से हॉल में। पता है फ्रेंड्स हमारे डॉगी का कहीं पता नहीं, सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया यार, ये ऐसे ही जाता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है, तो मैं सुबह से इसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया कहीं नहीं दिख रहा है ना, सब जगह नीचे रूम में देख दिया, ऊपर छत में देख दिया, लेकिन कहीं भी नहीं है यार, पता नहीं कहाँ गया, समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे भटकता रहता है ये दिन भर। भाई पता है आपको रणवीर सिंह की नई मूवी आ रही है सर्कस, और भी रोहित शेट्टी प्रोडक्शन उसकी, यार ये मूवी देखने की बहुत ही कलरफुल होती है, और भी क्रिसमस के डे, क्रिसमस से पहले यानी 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो यार कोशिश करूंगा कि मैं मूवी देखने जाऊं, क्योंकि बहुत ही कलरफुल मूवी होती है, बहुत ही हल्की लाइट हो ना,
दिल को खुश करने वाली मूवी होती है, तो जरूर मैं वहां पे जाऊंगा। और आप भी जाओगे प्लीज बताइए आप किसके साथ जाने वाले हैं मूवी देखने के लिए, जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको परसों बोला था ना कि मैंने सैमसंग से फोन लिया है और वहां से अभी कस्टमर केयर से मुझे कोई भी कॉल नहीं आया, तो आज मतलब मुझे ही उनको कॉल करना पड़ा कि भाई मेरा फोन कब आएगा कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपका फोन आई थिंक आज शाम को आ जाएगा, अगर आज शाम को नहीं मिलता तो मैं कल सुबह जरूर वहां पे जाऊंगा, सेंटर में जाऊंगा और अपना फोन लेके आऊंगा। और भाई उसके बाद ना ब्लॉग बनने वाले मस्त मस्त वाले घासों वाले, तो प्लीज आप बने रहेगा। और यार प्लीज मेरी वीडियो को प्रमोट करिए, शेयर करिए, कमेंट कर जरूर करिएगा यार, क्योंकि अब नया फोन आएगा तो उससे क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अब ब्लॉग में अच्छे से बना पाऊंगा और आपको मतलब जो भी चीजें हैं ना बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से और कुछ इन्फॉर्मेटिव वे से आपको हर चीज आपको अपडेट करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स ये है हरसिल की फेमस राजमा, आप देख रहे हैं, और ऊपर से चावल के साथ, वाओ यार बस मन कर रहा है कब खाऊं। देखो ये है हरसिल की राजमा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटे छोटे सीड होते हैं इसके, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और कलर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन टेस्टी होता ना यार। तो फ्रेंड्स फाइनली बारी आ गई है हरसिल की राजमा और चावल खाने की, और मैं यू नो आई एम वेरी कीन कि कैसे जल्दी जल्दी मैं इसको खाऊं, तो दिखाता हूं कैसे उसका टेस्ट है, आपको दिखाता रहूंगा मैं। ठीक भाई अमेजिंग यार, मतलब बात है यार राजमा में, बहुत सारे राजमा खाई हैं आज तक, लेकिन हसल की राजमा की जो बात है ना अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। भाई कल का मैच देखा आपने फीफा वर्ल्ड कप का, भाई मजा आ गया यार, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, और मैं यार कि अर्जेंटीना इतनी जीत गई यार, उसमें मैसी है प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, क्या खेला यार वो, क्या खेला। और हाँ फ्रेंड्स कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है गुरुद्वारे के लेकर, यानी कि नानक सर गुरुद्वारा को लेकर, प्लीज यार उसको जरूर देखिए, उसको अप्रिशिएट करिए, और प्लीज हाथ जोड़ के विनती यार बाबा नानक की कसम यार शेयर जरूर करिए यार, आपको बाबा जी बहुत बहुत ब्लेसिंग देंगे। और जरूर 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 शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, करिए यार प्लीज करिए ना यार दोस्तों, प्लीज 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 करिए यार। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे हरसिल की राजमा वाला प्यारा क्यूट सा टेस्टी सा ब्लॉग, आई होप कि आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। और मैं आपको जरूर जरूर बोलूंगा यार, आप प्लीज आप उत्तराखंड में आइए, उत्तरकाशी से हरसिल से स्पेशल राजा मंगाइए, आप कोशिश करिए कि आप हरसिल से ही राजा मंगाएं, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत चलती है, लोग हरसिल की राजमा के नाम पे लोग बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप गाँव के लोगों को ही, यू नो कोई आपका रिलेटिव हो या कोई आपका जानने वाला हो, कोई आपका एक्वेंटेंस हो, उसको बोलिए कि आपके लिए हरसिल की प्यारी सी क्यूट सी टेस्टी सी राजमा लेके रखें, और आपको यू नो आप तो खैर कुरियर भी हो जाता है, आप कुरियर के थ्रू अपने दिल्ली मुंबई कलकत्ता जहाँ भी को मंगाना है आप मंगा सकते हैं, और इस हरसिल की प्यारी यू नो उत्तराखंड की धरोहर जो उसको कह सकते हैं उसका टेस्ट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे आज का ब्लॉग, अगर आपको ये टेस्टी सा हरसिल की राजमा वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर जरूर करें दोस्तों, मुझे आपकी बहुत बहुत जरूरत है यार, तो आप तो अपने इस पहाड़ी भाई को यानी कि राजगौरव गैरेनो भाई को जरूर जरूर सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जरूर शेयर करें यार, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और जय हिंद, और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय।